वीआईपी के तीन विधायकों ने मुकेश सहनी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुकेश सहनी पर आए सबसे बड़े संकट के दौरान हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कन्नी काट ली है। अब मुकेश सहनी के पार्टी में हुए खेला पर चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि कई बार विधायकों ने पाला बदला है। चिराग ने कहा है कि पार्टी के विधायक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए एक दल से दूसरे दल में जाते रहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के यूपी में चुनाव लड़ने के फैसले से वह सहमत नहीं थे। इसमें देखना क्या है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं, तो हमारे नेता ने आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। और बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी ना किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। बट बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी उनका उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वह एनडीए का हिस्सा बने, तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि भी नहीं हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि ये तमाम बातों का जिक्र होता है। उनके क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई, तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पर फैसला लेंगे। उनको शुभकामनाएं। मुकेश सहनी जिस पीड़ा से आज गुजर रहे हैं, उस पीड़ा को चिराग पासवान ने पहले ही झेल लिया है। यही वजह है कि चिराग बिहार के विधायकों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।